सो नाउ लेट्स मूव टू पार्ट थ्री ऑफ जीएसटीआर 9C। पार्ट थ्री में जो हमें बात करनी है वो बात करनी है रिकंसिलेशन ऑफ टैक्सेस पेड। यानी हम यहाँ पर ये बात करने वाले हैं कि आपको एक्चुअली कितना टैक्स पे करना चाहिए था और जीएसटीआर 9 में आपने कितना टैक्स पे कर दिया। अगर यहाँ पर कोई डिफरेंस है तो वो एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी जीएसटी ऑडिटर को रिपोर्ट करनी है। सो लेट्स स्टार्ट विद टेबल नंबर 9। टेबल नंबर 9 बात करता है रिकंसिलेशन ऑफ रेट वाइज लाइबिलिटी एंड अमाउंट पेबल देयर ऑन। तो यहाँ पर आपसे जो चाहा गया है, आपसे जो एक्सपेक्टेड है वो ये है कि जितनी भी टैक्स लाइबिलिटी है, जो भी आपने एक फिगर, जितना भी आपने आउटवर्ड सप्लाई किया है या जो इनवर्ड सप्लाई है, उसका रेट वाइज ब्रेकअप आपको देना है। सो ऊपर तो अभी हमने ग्रॉस ग्रॉस फिगर रिकनसाइल किए, जहां पर आपका ग्रॉस टर्नओवर आपने रिकनसाइल किया, टैक्सेबल टर्नओवर आपने रिकनसाइल किया। यहां पर जो आपको करना है, यहां पर आपको रेट वाइज ब्रेकअप देना है। रेट वाइज ब्रेकअप आउटवर्ड सप्लाई और इनवर्ड सप्लाई ऑन विच रिवर्स चार्जेस एप्लीकेबल, दोनों की आपको बात करनी पड़ेगी। तो टेबल नंबर 9 आपके सामने है। टेबल नंबर 9 में बहुत सारे आपको जो जीएसटी के टैक्स रेट है वो, और उसके साथ में ब्रैकेट में आरसी भी लिखा हुआ है। आरसी मींस रिवर्स चार्ज, यानी ऐसी टैक्स लाइबिलिटी जो कि आपको 5% और रिवर्स चार्ज में पे करनी है, वो इस कॉलम में मेंशन करनी पड़ेगी। सो ये एक और एक्सरसाइज आपको करनी है कि रेट वाइज ब्रेकअप ऑफ टैक्स लाइबिलिटी यू नीड टू मेंशन हेयर। सो यहाँ पर मल्टीपल रेट्स आपको दिए गए हैं। मल्टीपल रेट्स के बाद में एक जो पॉइंट नंबर एल पे अगर आप कॉन्सेंट्रेट करें, तो पॉइंट नंबर एल में इंटरेस्ट के फिगर आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। दैट मीन्स ये एक बड़ा कॉमन फिनोमिना रहा है 17-18 में कि हो सकता है हमने टैक्स लाइबिलिटी लेट डिस्चार्ज की हो, बट उसके ऊपर इंटरेस्ट पे नहीं किया है। तो अगर इंटरेस्ट पे नहीं किया है, सो वी नीड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन दैट एंड वी नीड टू गेट इट डिस्चार्ज। तो इंटरेस्ट का फिगर आपको यहाँ मेंशन करना है। लेट फीस, लेट फीस के बिना क्योंकि रिटर्न फाइल हो नहीं सकती थी, तो लेट फीस जनरली सभी की पे हो चुकी हैं। पेनल्टी, अदर्स, ये सारे फिगर्स आपको यहाँ मेंशन करने हैं। इसके बाद जो भी आपकी टैक्स लाइबिलिटी प्लस इंटरेस्ट प्लस लेट फीस प्लस पेनल्टी प्लस अदर्स, इन सब का टोटल पॉइंट नंबर पी में ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। दिस इज द फिगर विच यू नीड टू पे। ये वो फिगर है जो कि आपको पे करना चाहिए था। अब इसमें से कितना फिगर आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं, जीएसटीआर 9 से उठ करके आएगा। तो वो जीएसटीआर 9 से जो फिगर उठ करके आ रहा है, दैट इज पॉइंट नंबर क्यू में। सो हाउ मच टैक्स यू नीड टू डिस्चार्ज इज कमिंग अंडर पॉइंट पी, एंड हाउ मच टैक्स यू हैव ऑलरेडी डिस्चार्ज इज कमिंग इन पॉइंट नंबर क्यू। तो पी और क्यू को जब आप कंपेयर करेंगे, तो जो अनरिकनसाइल्ड पेमेंट ऑफ टैक्स है वो आपको फिगर आ जाएगा पॉइंट नंबर आर में। तो ये वो अमाउंट है जो आपने टैक्स पे नहीं किया है। सो काइंडली नोट इट। और इसके लिए जो रीजन है, रीजन ऑफ अनरिकनसाइल्ड पेमेंट ऑफ अमाउंट का, तो वो आपको टेबल नंबर 10 में टेक्स्ट फॉर्मेट में मेंशन करने के लिए अरेंजमेंट किया गया। तो टेबल नंबर 10 में अगर कोई डिफरेंसेस रहते हैं तो यू कैन मेंशन देयर। सो टैक्सेस पेबल एंड टैक्सेस पेड के लिए टेबल नंबर 9 एंड टेबल नंबर 10 में पूरा की पूरा मैकेनिज्म दिया गया है, दैट वी हैव डिस्कस्ड। नाउ इन टेबल नंबर 11 व्हाट वी नीड टू डू इज एडिशनल अमाउंट पेबल बट नॉट पेड, ये हमें फिगर यहाँ पर मेंशन करने हैं। देखिए अभी तक हमने जो डिस्कशन किया, एक हमने ग्रॉस टर्नओवर को रिकनसाइल किया, एक हमने टैक्सेबल टर्नओवर को रिकनसाइल किया, और एक हमने रेट वाइज एनालिसिस किया जीएसटी की आउटवर्ड और इनवर्ड सप्लाईज का, कितना टैक्स हमें पे करना चाहिए था और कितना टैक्स हमने पे किया। सो अब इनकी समरी जो है वो टेबल नंबर 11 में आपको देनी है। टेबल नंबर 6 में कुछ अनरिकनसाइल्ड डिफरेंस, यानी ग्रॉस टर्नओवर में अगर कोई अनरिकनसाइल्ड टर्नओवर आपको मिलता है, टेबल नंबर 8 मींस टैक्सेबल टर्नओवर में अगर कोई अनरिकनसाइल्ड डिफरेंस आपको मिलता है, और टेबल नंबर 9 में अगर आपको कोई अनरिकनसाइल्ड डिफरेंस मिलता है, तो वो अब आपको यहां पर मेंशन करना है अंडर टेबल नंबर 11। तो कुल मिलाकर के टेबल नंबर 11 इज द समरी ऑफ व्हाट वी हैव रिकनसाइल्ड टिल नाउ। तो वो आपको यहां पर मेंशन करना होगा कि हाउ मच इज द टैक्सेबल वैल्यू, हाउ मच सी जी एस टी इज टू बी पेड, हाउ मच एस जी एस टी इज टू बी पेड, और हाउ मच आई जी एस टी और सेस हैज टू बी पेड। तो वो फिगर आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी एंड अदर्स अमाउंट का। सो दिस इज पॉइंट टेबल नंबर 11 कि अभी तक हमने जो ग्रॉस टर्न ओवर, टैक्सेबल टर्न ओवर और टैक्सेस पेबल एंड टैक्सेस पेड का जो रिकन्सिलेशन किया, उसका जस्ट आपको टेबल नंबर 11 में मेंशन करना है। सो विद दिस पार्ट 3 ऑफ जीएसटीआर 9C इज ओवर। Now we are going to discuss a very, very crucial part of GSTR 9C, that is reconciliation of input tax credit.
सी अंडर ओल्ड लॉज मे इट बी सेंट्रल एक्साइज और मे इट बी सर्विस टैक्स, उसमें जो सबसे बड़ा लिटिगेशन का पॉइंट होता था वो सैंडबैग क्रेडिट होता था। सिमिलरली जब से जीएसटी आया है तब से ये भी एक फोरकास्ट किया जा रहा है कि अगेन जो सबसे ज्यादा लिटिगेशन जीएसटी में आने वाले हैं वो बिकॉज ऑफ आईटीसी आएंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर के आएंगे। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट अपने आप में एक बड़ा ही बर्निंग एंड क्रूशियल पार्ट है जीएसटी लॉ का, तो अब हम उसका रिकंसिलेशन करने वाले हैं। सो रिकंसिलेशन करने का फॉर्मूला लगभग लगभग वही है जो हमने टर्नओवर के केस में किया। आपको करना क्या है, आपको जो अपने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं उसमें जो आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने ले रखा है उस फिगर को आपको रिकंसाइल करना है विद द फिगर यू हैव मेंशन अंडर जीएसटीआर 9। अब प्रश्न यहां पर ये आता है कि टर्नओवर के संबंध में तो हमारे पास ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सेल्स का फिगर था, हम वहां से स्टार्ट करके जीएसटीआर 9 के फिगर से हमने रिकंसाइल कर लिया। लेकिन जहां तक आईटीसी को लेकर के बात है, क्या हमने ऐसी अकाउंटिंग की हुई है कि हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट एज पर अवर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फिगर अवेलेबल हो? अगर आपने अकाउंटिंग वैसी की हुई है तो आपके पास वो फिगर ऑलरेडी अवेलेबल होगा, लेकिन अगर आपने वैसी अकाउंटिंग नहीं की हुई है जहां पर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट एज पर योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको मिल पाए, तो वो फिगर आपको निकालने के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। आप यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर तीन चीजें हमारे पास में होती हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर। तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा कहाँ से आता है? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा आता है जब हम चालान पे करते हैं, चालान से बैंक से या कैश में जब भी पे करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में फंड्स वहां से आते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पैसा कहाँ से आता है? जब आप GSTR 3B फाइल करते हैं और जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आप उसके थ्रू जब अवेल करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पैसा जाता है, या ट्रान 1 या ट्रान 2 आपने फाइल किया होगा तो उससे पैसा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में गया है, या ITC 01 या ITC 02 आपने फाइल किया है किसी केस में तो वो फिगर आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में गया है। और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर, जब भी आप कोई आउटवर्ड सप्लाई करते हैं जिसके ऊपर आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी आती है, या कोई इनवर्ड सप्लाई लेते हैं जिनके ऊपर रिवर्स चार्ज में आपको टैक्स देना होता है, तो इन सारे केसेस में आपका इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में अमाउंट जाता है। और GSTR 3B फाइल करते समय हम क्या करते हैं, हम लायबिलिटी ऑफसेट करते हैं। लायबिलिटी ऑफसेट करने का मतलब यह है कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में जितना भी फिगर है उसको हमने कैसे पे ऑफ किया, हमने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे किया उसको या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से किया, तो हम उसको लायबिलिटी सेट ऑफ करते हैं। आइडियलिस्टिक सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, हमारी अकाउंटिंग ऐसी होनी चाहिए कि ये जो तीनों लेजर हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, ये तीनों लेजर हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी एज इट इज बने होने चाहिए। और जैसे ही हम लायबिलिटी ऑफसेट करते हैं GSTR 3B में, तो सिमिलर टाइप की एक एंट्री हमें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डालनी चाहिए। अगर हमने अकाउंटिंग इस तरीके से की हुई है कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बना हुआ है तो हमारे पास कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। लेकिन अगर हमने कॉमन लेजर बना रखा है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक, उसमें कैश लेजर के फिगर्स भी जा रहे हैं, क्रेडिट लेजर के फिगर्स भी जा रहे हैं, वो लायबिलिटी के भी फिगर कॉमन लेजर में आ रहे हैं, सो वी नीड टू डू अ सेपरेट एक्सरसाइज फॉर दैट। तो आपको यहां पर जो करना है, यू विल हैव टू स्टार्ट विद द फिगर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आईटीसी आपने अवेल कर रखा है, वहां के फिगर से आपको स्टार्ट करना है और उसको आपको रिकनसाइल करना है विद द फिगर यू हैव मेंशन अंडर GSTR 9। सो अल्टीमेटली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपने कितनी आईटीसी ले रखी है आप वहां से स्टार्ट कीजिए, और आपने GSTR 9 यानी एनुअल रिटर्न में जो फिगर मेंशन किया हुआ है उससे आपको रिकनसाइल करना है। रिकंसिलेशन इज वेरी स्मॉल रिकंसिलेशन। पॉइंट नंबर बी बात करता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट विच हैज बीन बुक्ड इन द अर्लियर फाइनेंशियल ईयर एंड द क्लेम्ड इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर, दैट मीन्स आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पिछले फाइनेंशियल ईयर में आईटीसी ले लिया था लेकिन जीएसटी में आपने करेंट फाइनेंशियल ईयर में लिया। और पॉइंट नंबर सी इसका एग्जैक्ट रिवर्स बात करता है, वो ये बात करता है इनपुट टैक्स क्रेडिट विच हैज बीन बुक्ड इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर बट येट टू बी क्लेम्ड इन द कमिंग फाइनेंशियल ईयर्स। तो ये कुल मिलाकर के दोनों ट्रांजेक्शन्स हैं। अब यहां हमें एक चीज डिस्कस करनी चाहिए कि क्या ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है जहां पर हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया है लेकिन हमने अपने जीएसटी लॉ के हिसाब से उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करें। जैसे 31 मार्च को हमारा साल खत्म होता है, मान लीजिए 30 मार्च को हमने कोई गुड्स परचेस किए और गुड्स किसी रिमोट लोकेशन से आ रहे हैं, सो इन दैट केस 30 मार्च को जब हमने गुड्स परचेस किए तो 30 मार्च को गुड्स परचेस करते समय जो गुड्स का इनवॉइस है वो तो हमारे पास मेल से आ गया, 30 मार्च को हमारे सप्लायर ने गुड्स डिस्पैच भी कर दिए, बट वो जो गुड्स हैं वो हमें 2nd ऑफ अप्रैल को
हमारी फैक्ट्री प्रमाइसिस में रिसीव हुए। सो जीएसटी में एक बड़ा सिंपल सा रूल है सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में कि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट तब तक नहीं ले सकते जब तक कि वो गुड्स आपको ना मिल जाए। सो आइडियली एज फार एज जीएसटी लॉ इज कंसर्न, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की एलिजिबिलिटी तब आएगी जब वो गुड्स आपको मिल जाएंगे, और वो गुड्स आपको मिले 2nd of April को। 2nd of April को मिले, दैट मीन्स जो आपको ITC अवेलेबल होगा वो अप्रैल मंथ में होगा। लेकिन जहां तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात है, तो जो 30 मार्च को हमने गुड्स परचेस कर लिए थे, तो हमने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी एक एंट्री पास कर ली। हमने जो गुड्स ट्रांजिट में थे उनको गुड्स इन ट्रांजिट मेंशन कर दिया अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। हमने सप्लायर की लायबिलिटी अज्यूम कर ली, उस पर जो भी ITC था वो हमने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ले लिया। लेकिन एज फार एज GST लॉ, हम मार्च की जब GSTR 3B फाइल करेंगे तो उसका ITC हम अवेल नहीं कर सकते। उसका ITC हमें तब अवेल कर पाएंगे जब वो गुड्स हमें मिल चुके होंगे। दैट मीन्स ये जो ट्रांजेक्शन है इसके रिस्पेक्ट में हम मार्च के GSTR 3B में ITC नहीं ले सकते, इसके रिस्पेक्ट में हमें ITC अप्रैल के GSTR 3B में लेना होगा। तो ये एक ऐसी सिचुएशन बन रही है जहां पर हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो ITC ले लिया है, लेकिन एज फार एज GST लॉ इज कंसर्न हमने उसको ITC में कंसिडर नहीं किया है। तो इस तरीके की सिचुएशन है जहां पर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो ITC आपने ले रखा है और जो आपने GST लॉ के हिसाब से ITC ले रखा है, वहां पर डिफरेंसेस आ सकते हैं। तो वो जो डिफरेंसेस हैं उनको रिकनसाइल करने के लिए आपको टेबल नंबर 12 में दिए गए पॉइंट नंबर बी और पॉइंट नंबर सी में फिगर्स मेंशन करने पड़ेंगे। सो अल्टीमेटली जो मैकेनिज्म है वो ये है कि आपको ITC पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ये फिगर लेना है, और इसमें ये जो दोनों एडजस्टमेंट्स हैं कि ITC आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ले लिया है लेकिन GST में नहीं लिया है, या GST में ले लिया है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिया है, तो इसको आपको एडजस्ट करने के बाद में एडजस्टेड जो फिगर आएगा, दैट फिगर हैज टू बी कंपेयर्ड विद द फिगर यू हैव मेंशन्ड अंडर GSTR 9। और इन आइडियलिस्टिक सिचुएशन, इन परफेक्ट सिनेरियो, यहां पर कोई अनरिकंसाइल्ड डिफरेंस नहीं होगा। बट इफ देयर इज एनी अनरिकंसाइल्ड डिफरेंस, तो टेबल नंबर 13 इज देयर। 13 में आपको वहां पर मेंशन करना है कि अनरिकंसाइल्ड या जो फिगर रिकनसाइल नहीं हो पा रहा है, व्हाट इज द रीजन फॉर अनरिकंसिलेशन, तो वो फिगर आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं। सो दिस इज टेबल नंबर 12 एंड टेबल नंबर 13। नाउ लेट्स मूव टू टेबल नंबर 14। इफ वी टॉक अबाउट टेबल नंबर 14, टेबल नंबर 14 जो बात करता है, टेबल नंबर 14 इज वेरी ड्रैकोनियन टेबल आई वुड से, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। टेबल नंबर 14 ये बात कहता है कि भाई ऐसे ITC, ऐसे एक्सपेंडिचर या ऐसी इनवर्ट सप्लाईज जिसके ऊपर आपने ITC ले रखा है, उसका हेड वाइज बाइफरकेशन आपको यहाँ कर करके देना है। दैट मीन्स परचेजेस पे आपने कितनी ITC ली, आपने पावर एंड फ्यूल पे अगर कोई ITC ली है तो वो कितनी ली है, इंपोर्टेड गुड्स पे कितनी ली है, रेंट्स एंड इंश्योरेंस पे कितनी ली हुई है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ऐसे करके उन्होंने मल्टीपल एक्सपेंडिचर के हेड आपको दे रखे हैं। आपको सारे एक्सपेंडिचर के हेड में बाइफरकेशन करके कि टैक्सेबल वैल्यू क्या थी, अमाउंट ऑफ ITC क्या था और अमाउंट ऑफ एलिजिबल ITC क्या था, ये एक एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। सो टेबल नंबर 14 इज अ वेरी एलोबरेट एंड बिग टेबल जिसमें आपको ये सारी चीजें मेंशन करनी है। सो दिस इज अगेन अ वेरी हर्क्यूलियन टास्क फॉर ऑल ऑफ अस कि जहां पर ये फिगर्स आपको बाइफरकेट करके मेंशन करनी पड़ेगी। अब यहां पर आपसे कहा जा रहा है कि टोटल अमाउंट ऑफ एलिजिबल ITC कितना है, ये जो आप बाइफरकेशन करके देंगे, हेड वाइज बाइफरकेशन करके देंगे, तो उसका एक एग्रीगेट ऑटोमेटिक हो जाएगा कि दिस इज द अमाउंट ऑफ एलिजिबल ITC यू हैव, और अमाउंट क्लेम्ड इन GSTR 9, इसको कंपेयर किया जाएगा GSTR 9 में जो आपने अमाउंट क्लेम किया। अब इन दोनों फिगर के बीच में अगर कोई अनरिकंसाइल्ड डिफरेंस रहता है, तो अगेन यू हैव गिवन एन अपॉर्चुनिटी इन टेबल नंबर 15 कि वहां पर आप ये मेंशन कर पाएं कि ये जो डिफरेंस है ये किस कारण से है। सो व्हाटएवर इज द रीजन बिटवीन द ITC यू हैव क्लेम्ड एंड ITC यू हैव मेंशन्ड इन द GSTR 9, उसके बीच का अगर कोई डिफरेंस है तो टेबल नंबर 15 में आपको मेंशन करना है। अल्टीमेटली टेबल नंबर 14 इज वेरी एलोबरेट टेबल एंड टेबल नंबर 15 इज द गिव्स यू एन ऑप्शन टू मेंशन द figure, mention the reason of unreconciliation. So that is the point you need to take care of. Tax payable on unreconciled difference of ITC. अभी जो हमने ITC का पूरा की पूरा reconciliation किया, इसमें अगर कोई unreconciled figure आपका रह जाता है ITC का, तो उसको भी आपको pay करना है. So if there is any unreconciled difference in ITC, so in that case you need to pay and it has to be mentioned in table number 16. So table number 16 में आपको ITC को का जो अनरिकंसाइल्ड डिफरेंस रह जाएगा दैट यू हैव टू मेंशन। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अप टू टेबल नंबर 16 एंड वी हैव कंप्लीटेड द पार्ट 4 ऑफ GSTR 9C व्हिच टॉक्स अबाउट
reconciliation of input tax credit. Now let's move to part 5. Part 5 is again a very crucial part, being auditors. So being an auditor, what you need to do is, it is the auditor's responsibility to recommend the additional tax liability on due to non-reconciliation. अगर नॉन रिकंसिलेशन की वजह से आपकी कोई एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी आती है सो यू नीड टू मेंशन इट इन पार्ट 5. पार्ट 5 में अगर आपने कोई एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी मेंशन की है तो GSTR 9C फाइल करते समय जो डीलर है उसके पास में ऑप्शन होगा कि वो DRC 03 के थ्रू उसको पेमेंट कर पाए. अगर वो पेमेंट कर देता है इट इज़ वेल एंड गुड, नहीं करता है तो भी GSTR 9C फाइल हो जाएगा. उसके बाद वो टैक्स लाइबिलिटी कैसे उससे रिकवर की जाएगी, दैट इज बिटवीन द डिपार्टमेंट एंड द डीलर. उसमें फिर बीइंग एन ऑडिटर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिनिश हो जाती है कि अगर आप उसको रिकमेंड कर देते हैं. तो अगर कोई एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी है दैट यू नीड टू मेंशन इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट, तो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट उन्होंने आपको दे दिया है. यहाँ पर आपको यहाँ तक देखना है कि अगर कोई एरोनियस रिफंड उसने क्लेम किया है और एरोनियस रिफंड गवर्नमेंट ने उसको अलॉट कर दिया है सो दैट टू यू नीड टू पुट हेयर. यहाँ पर उसको वो फिगर भी मेंशन करना है और आपको ये सारे फिगर्स बताने होंगे. So with this, we have come to the end of GSTR 9C. 9C का जो हमारा सारा की सारा आज का डिस्कशन था वो इन्हीं पॉइंट के इर्द गिर्द घूमता है. बाकी जो सर्टिफिकेशन को लेकर के अगर हम बात करें तो सर्टिफिकेशन के फॉर्मेट्स आर वेरी मच सिंपल, विच आई हैव टेकन केयर ऑफ इन माई इनिशियल वीडियो. सो विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. इफ यू लाइक द वीडियो काइंडली प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन. थैंक यू सो मच.